बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवेस खान, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दी मास्टर जोन। आज हम आपकी खिदमत मिसाइल डिफेंस टेक्निक के हवाले से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इसमें हम आपको अभी तक जो सेल डिफेंस की आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी, जो पिछले हमने चैनल पर अपलोड की थी, उसमें हम अभी तक आपको सेल डिफेंस टेक्निक्स बता रहे थे। अभी हम सेल डिफेंस के अंदर आपको डिफेंसिव टेक्निक बता रहे थे। अब जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ, ये सेल डिफेंस के अंदर अटैकिंग टेक्निक्स है, यानी किस तरह आप अपने अपोनेंट का खाली हाथ पकड़ के एक टेक्निक के जरिए उसको किस तरह बेबस कर सकते हैं, किस तरह हरा सकते हैं, अपना दिफा कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को और से देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, वरना आपको टेक्निक समझ में नहीं आएगी। और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताते रहिए कि आपको हमारी वीडियो और हमारी टेक्निक कितनी इफेक्टिव लग रही है, जिसके आपके कमेंट सेक्शन से ही हम ये जान पाते हैं कि हमारी वीडियो अच्छी है कि नहीं अच्छी है। आपके रिव्यू हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसको नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेल्फ डिफेंस टेक्निक के अंदर टेक्निक है, आप इसको गौर से देखें। इसमें हम किस तरह से सिर्फ खाली हाथ के जरिए अपने सामने वाले अपने अपोनेंट को किस तरह बेबस कर सकते हैं, किस तरह हरा सकते हैं, अपना दिफा किस तरह करेंगे, ये चीजें दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरे सामने आयरिस खड़ा है, अब मैं इस तरह खाली अपने हाथ पकड़ता हूँ, पहले हाथ पकड़ा, अब मैंने हाथ पकड़ के एक टेक्निक यूज करनी है, इसको गौर से देखें। जो ऊपर जो उठाना है एल्बो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी, ठीक है। दूसरा आगे एल्बो की तरफ डालना है और एल्बो को अपनी तरफ खींचना है, एल्बो को अपनी तरफ खींच के और पंजे को पीछे की तरफ पुश करना। एक दफा इस तरफ से देख लीजिए, कलाई पकड़ी ऊपर की तरफ खींचा, एल्बो बाहर डाला और अपने पास खींच के पीछे हो गए, पीछे हो गए, यहां से पंजे को पीछे को पुश करना, पीछे को पुश करना है और ऑटोमेटिकली आप अपोनेंट हार मान सकते। इस तरह से देखिए, कांधा लेकर हाथ पकड़ा और सिंगल ऊपर की तरफ खींचेंगे, एल्बो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी, आपने एल्बो को पकड़ के अपनी तरफ खींचना है और हाथ को पीछे की तरफ से पुश करना है, कलाई को पीछे पुश करेंगे, आपका अपोनेंट ऑटोमेटिकली हार मान जाएगा। अच्छा, अभी जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी वो थी अदर एंड की, मेरा राइट था, मेरे अपोनेंट का लेफ्ट था। अब मैं बताऊंगा राइट से अगर आप राइट हैंड पकड़ेंगे अपने अपोनेंट का तो उसको किस तरह से आप अटैक करेंगे, किस तरह से टेक्निक यूज करेंगे। मेरे सामने हारिस है, मैंने अपने राइट हैंड से सामने हारिस का राइट हैंड पकड़ लिया, अब मैंने उठाना है हाथ ऊपर की तरफ और दूसरा हाथ पीछे से डालना है, हाथ के ऊपर हाथ बैंड करना है और यहां से पंजे को नीचे की तरफ पुश करना है, सिंपल पुश करना है। अब इसमें आप ये देखें, सामने वाला अपने दूसरे हाथ से मुझे मार भी सकता है, अगर आप ये जहन में आपकी बात आती है सामने वाला अपने दूसरे हाथ से मुझ पर अटैक कर सकता है तो करके दिखाओ मेरे ऊपर अटैक। मैं सिर्फ हाथ से हल्का सा प्रेस करूंगा, ये हाथ हल्का सा प्रेस करूंगा, सामने वाला खुद ब खुद बेबस हो जाएगा और सबमिशन कर देगा। आपको इस तरफ दिखाते हैं, एक और गौर से देखिए, हाथ पकड़ा ऊपर की तरफ उठाया और प्रेस किया, सिंपल। अच्छा, टेक्निक को एक दफा और गौर से देख लीजिए, मैं आपको करीब से करके दिखा रहा हूं ताकि आपको वाज़े नजर आ जाए, ठीक है। इसमें मैंने अपने राइट हैंड से अपने ओपोनेंट का राइट हैंड पकड़ना है और हाथ को ऊपर की तरफ प्रेस करना है, करीब जाना है, एल्बो के नीचे अपना शोल्डर रखना है और हाथ को पीछे की तरफ प्रेस करना है। सिर्फ आपने इतना सा प्रेस करना है, सामने वाली की रेसी जा निकल जाएगी। आपको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ,